सो हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे भी आप कोई स्टार मेकर पर सॉन्ग अपलोड करते हैं पर उस पर ज़्यादा व्यूज नहीं आ पाता, जबकि आपका सॉन्ग जो होता है, जो आप सिंग करते हैं, वो A++ कैटेगरी में होता है, फिर भी उस पर 400, 500 या 1000 ही व्यूज आ पाते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं अपलोड करते समय वीडियो, जिससे कि आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ पाता, आपके सॉन्ग पर व्यूज नहीं आ पाता, लाइक्स नहीं आ पाते। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, और एंड तक इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी कोई पार्ट मिस ना करिए। इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कि आप कैसे वीडियो अपलोड करें कि उस पर ज़्यादा व्यूज आ पाएँ। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार मेकर ऐप खोल लेना है और होम पर जाना है। अब यहाँ से आप जैसे भी कोई भी गाना है, यहाँ से आप उसे सिंग पर क्लिक करके गाते हैं, तो इसे आप जब सिंग पे करके इसे जब आप गाना गा लें और वह कंप्लीट हो जाए, तो ये ध्यान दें कि जो आपका गाना की क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि ईयरफोन लगाकर ही सॉन्ग को आप गाएं, जिससे कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और दूसरी बात कि जब आप यहाँ से कोई भी गाना कंप्लीट कर लें, तो उसे देखें कि वह A++ ग्रुप या ग्रेड में आता है कि नहीं। अगर A++ नहीं है तो वो ऐसे भी जो आपका इसका ऐप का स्टार मेकर का मैकेनिज्म होता है, वो उसे कम लोगों के पास भेजता है, जिससे उस पर कम व्यूज आते हैं। तो आप ये देख लें, अगर वो A++ ग्रेड का ना हो तो उस गाने को डिलीट करके आप उसे दोबारा से गाएं, और अगर वो A++ कैटेगरी का है तो उसे नेक्स्ट करें और अपलोड के ऑप्शन पर जाएं। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि अपलोड के सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या सेटिंग करनी है, जिससे आपके सॉन्ग पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज और लाइक्स आ सके। तो चलिए दिखाता हूँ मैं करके। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने एक गाना गा लिया है, उसे कम्प्लीट कर लिया है। तो अब बात आती है कि वो कौन कौन सी चीज़ होती है, वो कौन कौन सी सेटिंग होती है जिससे कि हमारा व्यूज इंक्रीज होता है, जिससे हमारा लाइक और फैन बेस भी इंक्रीज होता है। तो अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना होता है। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए बताता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं What's on your mind, मतलब ये एक तरीके से ऊपर का जो टाइटल होता है आपके गाने पे लिखा होता है। तो यहाँ पर आप एक कोई अच्छी सी लाइन गाने के बारे में, या जिस फिल्म की भी है, या गाने का कुछ भाग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है, चलिए पहले मैं इसे लिख देता हूँ तब आपको बताता हूँ। जैसे ये गाना है, मैं जिस दिन भुला दूँ, तो मैं यहाँ पर वही उसका लाइन लिखूँगा एट द रीड लगा के। मैं लिख लेता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया है, मैं जिस दिन भुला दूँ। अब यहाँ पर आपको ऐड करने हैं कुछ इमोजीज, जैसे कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा हाइलाइटेड लगे, जिससे कि लोगों की नज़र इस पर पड़े और वो इसे देखें। तो इसे हाईलाइट लगने के लिए कोई भी आप इमोजी गाने के अनुसार रख सकते हैं। जैसे सैड सॉन्ग है तो ये रोने वाला इमोजी, और अच्छा लव सॉन्ग है तो ये हर्ट वाला इमोजी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ आपको। इसे आपको नेक्स्ट करना है, तो मैं इसे नेक्स्ट कर दूँ। नीचे आपको एक कवर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको इस पर कोई अच्छा सा फ़ोटो, जैसे कि या तो आप अपना खुद का लगा सकते हैं, या तो जिस एक्टर का सॉन्ग है आप उसका लगा सकते हैं, कोई भी अच्छा, यानी फुल HD होना चाहिए, वो देखने में फ़ोटो अच्छी लगे, काफ़ी एडिटिंग आप उसे चाहे तो अच्छे से एडिट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो काफ़ी दिखने में अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। चलिए मैं इसमें एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, कवर फ़ोटो। गाइज, मेरे पास कोई अच्छी फ़ोटो नहीं थी, तो मैं यही फ़ोटो अभी आपको दिखाने के लिए ऐड कर लेता हूं, लेकिन आप जो भी फ़ोटो ऐड करें उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए मैं अभी इसे डन पर क्लिक करता हूं। अब देखिए ये फ़ोटो ऐड हो चुकी है। अब आता है इफ़ेक्ट, इस पर आपको कुछ नहीं करना, इफ़ेक्ट आपको अगर आप चाहेंगे थोड़ा जो ये म्यूज़िक होता है बदल जाएगा, पर उससे आपका सॉन्ग जो होता है ख़राब भी हो सकता है, तो आपको इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको हैशटैग का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें से सबसे अच्छे हैशटैग आपको लगाने हैं। जैसे आपका सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग से रिलेटेड हैशटैग लगाने हैं, जैसे सैड सॉन्ग और उस गाने जो गाना है उसका कुछ लाइन का हैशटैग लगा के लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि ये लव सॉन्ग है तो मैं उसके बारे में हैशटैग आपको लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत से हैशटैग लगा दिए हैं, जैसे कि हैशटैग लव शाहरुख खान, हैशटैग मैं जिस दिन भुला दूँ,
हैशटैग हिंदी सॉन्ग, हैशटैग रोमांटिक सॉन्ग। तो इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग लगाने हैं जिससे कि आपका सॉन्ग जो होता है वो सर्च में आने का चांस बढ़ जाता है, जिससे उस वीडियो पर या उस सॉन्ग पर व्यूज भी ज़्यादा आते हैं और लाइक भी ज़्यादा आते हैं। तो गाइज यही तरीका था जिससे कि आपकी वीडियो पर व्यूज और लाइक बढ़ सकते थे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि सॉन्ग अपलोड हो रहा है 90% तक हो चुका है, और आप देख सकते हैं जो इसका ग्रेड है सॉन्ग का A++ है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका सॉन्ग का ग्रेड होना चाहिए वो A++ होना चाहिए। तो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आगे आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके या तो मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और अगर आपको कहीं सॉन्ग रिकॉर्ड करने में कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।